आप देख रहे हैं दी इंडियन न्यूज, मैं हूं प्राची तिवारी। हमारे देश में और दुनिया में इतने भयंकर तूफान आते हैं जो इतने खतरनाक होते हैं कि जब जाते हैं तो अपने पीछे भारी तबाही छोड़ जाते हैं। जितने खतरनाक ये तूफान होते हैं उतने ही अजीब इनके नाम होते हैं, जैसे कटरीना, बुलबुल, हुदहुद, तितली वगैरह वगैरह। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन तूफानों को नाम दिया क्यों जाता है, और अगर दिया भी जाता है तो इतने अजीब नाम क्यों दिए जाते हैं, और ये नाम देता कौन है? नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल तूफानों को नाम देने की शुरुआत जो थी वो अटलांटिक क्षेत्र में 1953 में एक संधि की वजह से हुई थी। 1953 से अमेरिका के मायामी स्थित नेशनल हरिकेन सेंटर और वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की अगुवाई वाला एक पैनल तूफानों और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम रखता रहा है। WMO संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। पहले मतलब 1953 से अमेरिका में केवल महिलाओं के नाम पर, तो ऑस्ट्रेलिया में केवल भ्रष्ट नेताओं के नाम पर तूफानों का नाम रखते थे। ये भी बड़ी अजीब बात है। लेकिन 1979 के बाद से इन तूफानों का नाम एक मेल और एक फीमेल पर रखा जाने लगा। विश्व मौसम विभाग ज्यादातर तूफानों के नाम महिलाओं के नाम पर रखने के चलते आलोचनाएं झेलता रहा। 1960 के दशक में दुनिया के ज्यादातर मौसम विभागों ने चक्रवातीय तूफानों के नाम महिलाओं के नाम पर रखे थे, जिसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर विमेन सहित तमाम महिला संगठनों ने इसका विरोध किया। इसके बाद इस परंपरा में बदलाव आने लगे। हालांकि अभी भी महिलाओं के नाम पर ज्यादा तूफानों के नाम रखे जाते हैं। हिंद महासागर में आने वाले चक्रवातीय तूफानों के नाम रखे जाने का चलन पूरी गंभीरता के साथ सन 2000 में तब शुरू हुआ जब विश्व मौसम विभाग ने भारतीय मौसम विभाग को ये काम सौंपा। भारतीय मौसम विभाग ने ओमान से लेकर थाईलैंड तक 8 देशों से 8-8 नामों की एक लिस्ट की मांग की। इन देशों ने 4 साल का वक्त लेकर 2004 तक भारत को नाम भेज दिए। अब इन 8 देशों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के अनुसार रखा गया, जिससे देश इस क्रम में आए बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड। फिर इनके आगे इनके सुझाए 8-8 नामों को लगा दिया गया, जिससे कुल 64 नाम हो गए। फौनी इनमें से 57वां नाम है। इसके बाद अब सिर्फ 7 तूफानों के नाम और बचेंगे, जिसके चलते नाम खत्म होने से पहले फिर से भारतीय मौसम विभाग को इन देशों से नामों के लिए सुझाव मांगने होंगे। इससे तूफान की न केवल आसानी से पहचान हो जाती है, बल्कि बचाव अभियानों में भी इससे मदद मिलती है। इस बीच किसी भी नाम को दोहराया नहीं जाता। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन चक्रवात या तूफान या साइक्लोन को अलग अलग डिफाइन कैसे किया जाता है। जैसे अगर कोई चक्रवातीय तूफान अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में आ रहा है तो इसे हरिकेन कहा जाता है। वहीं अगर ये चक्रवात प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आ रहा होगा तो इसे टाइफून कहा जाएगा। इतना ही नहीं, अगर ये हिंद महासागर के क्षेत्र में पैदा हो रहा होगा तो इसे साइक्लोन कहा जाएगा। साइक्लोन को ही हिंदी में चक्रवात कहा जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिका में हरिकेन, भारत में साइक्लोन और जापान में टाइफून क्यों आते हैं। वैसे इनके नाम रखे जाने की प्रक्रिया भी कम दिलचस्प नहीं है। अब तक चक्रवात के करीब 64 नाम रखे जा चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए, कुछ टाइम पहले जब क्रम के अकॉर्डिंग भारत की बारी थी तब ऐसे ही एक चक्रवात का नाम भारत की ओर से लहर रखा गया था। ये तो बस एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा अमेरिका में आए एक भयंकर तूफान को एक फिक्शनल कैरेक्टर के नाम पर रखा गया। हैरी पॉटर में इरमा पीन्स नाम की एक महिला कैरेक्टर है, इसलिए इस तूफान का नाम इरमा रखा गया। साल 2005 में बरमूडा में आए फैलिप तूफान का नाम संत फैलिप के नाम पर रखा गया था। तमिलनाडु को भी वर्दा चक्रवात का सामना करना पड़ा था। वर्दा का मतलब होता है लाल गुलाब, और ये नाम पाकिस्तान ने दिया था। ऐसे ही 2013 में श्रीलंका सरकार ने एक तूफान का नाम महासेन रख दिया था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। इसकी वजह थी कि महासेन श्रीलंका के इतिहास में समृद्धि और शांति लाने वाले राजा के तौर पर दर्ज हैं, जिनके नाम पर एक विनाशकारी तूफान का नाम रख दिया गया था। बाद में सरकार ने ये नाम वापस ले लिया था। साल 2014 में आंध्र प्रदेश और नेपाल में आए हुदहुद तूफान ने भारी तबाही मचाई थी। ओमान ने इस चक्रवात का नाम एक पक्षी के नाम पर हुदहुद दिया था। फालीन चक्रवात का नाम थाईलैंड की ओर से सुझाया गया था। वहीं 2014 में म्यांमार ने इस इलाके में आए तूफान का नाम नानुक, तो वहीं पाकिस्तान ने नीलम नीलो फोर नाम दिया था। वैसे दिलचस्प ये भी है कि जो तूफान ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं उन्हें रिटायर कर दिया जाता है, मतलब दोबारा उनका नाम किसी चक्रवातीय तूफान को नहीं दिया जाता। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोग दोबारा उस त्रासदी को याद ना करें। तो अब से जब आप किसी तूफान का नाम तितली, बुलबुल, हिक्का वगैरह सुनेंगे तो अब यकीनन आप हैरान नहीं होंगे।
आपको हमारी इस वीडियो में तूफान से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ।